दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ पुराना कपड़ा से डोर में। दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, साथ में लाल वाला बटन दिया वो टिक कर देना। क्या क्या सामान चाहिए वो दिखा दूंगा, कैसे बनाते हैं वो वीडियो में पूरा दिखा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा। चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। ऐसे सेम डिजाइन का डोरमेट बनाने जा रही हूँ। क्या क्या सामान चाहिए, कैसे बनाया, सारा प्रोसेस में इस वीडियो में दिखा देती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। ये पुराना शर्ट लिया, इसको अभी एक साइज में कट करेंगे। तीन इंच तक ऐसे ही, थोड़ा लंबा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से लेना। मैं अभी तीन लिया, तीन साइज का, इसे कट करके पूरा रेडी करके रख देंगे। इसे कट कर लिया, अभी नीचे का जो कपड़ा डालेंगे वो रेडी करेंगे। ये पेन का कपड़ा है, ऐसे करके कट करेंगे, इसे फोल्ड करके स्टार जैसा बनाएंगे। इसे स्टार जैसा डिजाइन में कट करेंगे। ये 13 लिया इधर। ऐसे करके कट करना। अभी ये कट करेंगे अच्छी तरह से। ऐसे फोल्ड करके कट करेंगे। ये स्टार जैसा हो बन गया नीचे का। अभी इसके ऊपर जो कपड़ा कट करके रेडी किया था वो सिलाई लगा लेंगे। अभी इधर से कट कर दिया जो एक्स्ट्रा वाला है। अभी दूसरा वाला ऐसे थोड़ा गैप रख कर सिलाई करेंगे, तभी डिजाइन अच्छा दिखेगा। थोड़ा थोड़ा गैप रख कर रेडी करेंगे। अभी थोड़ा नीचे से रखकर ऐसे करके सारा स्टार के ऊपर ऐसे कपड़ा सिलाई करेंगे। थोड़ा अलग अलग कलर लिया, तभी वो जो फ्लोर में डोर में थे वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, कलर कलर नहीं होते। Thank you.
वाले अभी व्हाइट कलर डाल रही हूँ। सेम प्रोसेस ऐसे ही करना। अभी ये दूसरा कलर ऐसे करके रेडी करेंगे। बहुत इजी है ये डोरमेट बनाने के लिए। जो पुराना कपड़ा है उधर उससे बनाया शर्ट पेंट वगैरह। ये एक साइड का कंप्लीट हो गया। अभी ऐसे करके सिलाई करेंगे साल के ऊपर। अभी जो एक्स्ट्रा वाला है वो कट करेंगे। ऐसे अच्छी तरह से स्टार के ऊपर कट करके रेडी करेंगे। ये पूरा हो गया। अभी जो नीचे का है अभी एक कपड़ा डालेंगे। ऐसे एक पेन का कपड़ा काट करके रेडी किया। अभी इसके ऊपर सिलाई करेंगे। एक साइड का खुला रखा बाकी सारा सिलाई कर दिया। अभी ऐसे करके अंदर से थोड़ा कैंची से कट करेंगे। सिलाई नहीं कट करना, ऐसे हल्के हल्के से ऊपर से कट किया। सिलाई के बाहर का जो पार्ट है वो कट करना है। ऐसे करके चारों तरफ कट कर लिया। अभी इसके अंदर हाथ डालकर ये सीधा करके, ये हो गया सीधा। जो कोन का है वो अच्छे से नहीं निकला, इसलिए एक पेन नेटिव कुछ ऐसा लेकर इसे दबाने से बाहर आ जाता।
ऐसे करके बाहर की तरफ जो कोन है अच्छी तरह से निकाल रही हूँ। ये हो गया। अभी जो एक साइड का खुला रखा था वो सिलाई करके बंद करेंगे। इसे अच्छी तरह से बंद कर दे। अभी ऊपर से एक बार फिर से इसे सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग अच्छा आता है। बहुत अच्छे से डोरमैट रेडी हो गया। ये ऊपर साइड और ये नीचे का साइड। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ में शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।